पानी पीने के लिए कौन नहीं दे रहा है आपको? स्टेशन मास्टर पानी नहीं पीने दे, बोला अपना पैसा से जेब में पैसा लगाएगा ट्यूबवेल वैसा है। क्या बताएंगे, गाड़ी तो लाइन बन कर तैयार है। अच्छा। और गाड़ी चला नहीं रहा सरकार। मैं अभी नरपतगंज में हूँ और नरपतगंज रेलवे स्टेशन है ये। मैं बता दूं कि 2008 से पहले ये जो रूट है ना, छोटी लाइन के लिए मशहूर रूट थी, और फारबिसगंज से ललितग्राम होते हुए सहरसा हो या फिर कोई अन्य रूट हो, यूँ कहा जाए सीमांचल के लोगों को मिथिलांचल तक पहुंचाने के लिए और राज्य की राजधानी तक पहुंचाने के लिए रूट बहुत ही आसान रूट थी, बहुत सस्ती रूट थी और बहुत शॉर्ट रूट थी। मतलब कम समय में ज़्यादा लंबी दूरी को तय किया जा सकता था, लेकिन 2008 में आई बाढ़ ने पूरी तरह से इस रूट को बर्बाद कर दिया। यूँ कहा जाए कि उत्तरी बिहार को रूट ने पूरी तरह से उत्तरी बिहार को बाढ़ ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था, जिसके बाद सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार में उपस्थित रेलवे लाइन हो या फिर किसी भी प्रकार से जनजीवन हो, अस्त व्यस्त हो गई थी और चीज़ों को सुदृढ़ जगह पर लाने के लिए काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। फिलहाल आप नरपतगंज को देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बन के तैयार है, अपने गंतव्य का इंतजार कर रहे कि कब हमारे स्टेशन पर फिर से ट्रेन आएगी, फिर से छुक छुक करेगी। और लोगों का जो चहचहाट था या फिर शोर थी, फिर से एक बार स्टेशन गूंज उठेगा और लोगों को रेलवे का सहारा मिलेगा, लोगों में एक नई उम्मीद जगेगी और लोग रेल की यात्रा सफल और सुखदायक कर पाएंगे। फिलहाल आप हमारे चारों ओर देख सकते हैं कि रेलवे पे सिर्फ कुछ बचा हुआ है तो विद्युतीकरण का काम बचा हुआ है, जिसको लेकर के जोरों शोरों से रेलवे काम कर रही ताकि जल्दी से जल्दी रेलवे को स्टार्ट किया जा सके। बाकी अभी क्षेत्र के लोगों में खुशियाँ नहीं आई है, चूँकि फारबिसगंज से आप कटिहार जा सकते हैं, फारबिसगंज से जोगबनी जा सकते हैं, लेकिन फारबिसगंज से आप ललितग्राम होकर के सरायगढ़ होते हुए ना तो आप दरभंगा जा सकते हैं ना ही आप सहरसा जा सकते हैं। मैं बता दूं कि फारबिसगंज और सहरसा के बीच में ये नरपतगंज एक प्रमुख स्टेशन है, बाकी तीन और हॉल्ट उपस्थित है और जिसके बाद ललितग्राम है। वर्तमान की बात करें तो ललितग्राम से सहरसा के लिए एक ट्रेन दी गई है जो कि रोज़ाना चला करती है, मतलब उस क्षेत्र के लोग ललित ग्राम यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर के आसपास में है और वहाँ से लोग सहरसा हो या फिर सीमांचल से मिथिलांचल तक जाना हो या फिर राज्य की राजधानी में जाना हो या फिर देश के अलग हिस्से में जाना हो, उनके लिए एक पैसेंजर ट्रेन दी गई है जिससे वो सहरसा जा करके देश के अलग अलग हिस्से में जाने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन का सहारा ले सके। बाकी अगर नरपतगंज की बात करें तो अभी तक इस क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार की खुशियाँ नहीं मिली है कि वो ट्रेन का सुखद और खुशहाल सफ़र कर सके। बाकी मैं अभी नरपतगंज में हूँ और देख सकते हैं कि ट्रेन इंतज़ार कर रहे, रेलवे स्टेशन इंतज़ार कर रही है अपने ट्रेन का कि ट्रेन कभी इस पे भी आएगी और हमारे यहाँ से लोग चलेंगे। मतलब ट्रेन के बिना रेलवे स्टेशन अधूरी है और रेलवे स्टेशन के बिना ट्रेन अधूरी है। और बाकी हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे वर्कर हैं जो विद्युतीकरण के लिए बिजली के पोल को खड़ा करने में लगे हुए हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। अच्छा, आइए भैया इधर आइए। आप लोग यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? एक महीना से काम कर रहे हैं। विद्युतीकरण काम करने में कोई डिस्टरबेंस भी आ रही है? नहीं आ रहा है, दिक्कत नहीं आ रही है। भैया बोल रहे हैं कि पब्लिक तोड़ दे रही है, क्या तोड़ दे रही है? स्टेशन पानी नहीं दे रहा है, पानी पीने के लिए नहीं दे रहा है। पानी पीने के लिए कौन नहीं दे रहा है आपको? स्टेशन मास्टर पानी नहीं पीने दे, बोला अपना पैसा से जेब में पैसा लगाएगा ट्यूबवेल वैसा है। स्टेशन मास्टर कहाँ है? मालूम नहीं कहाँ है अभी। अच्छा, यहाँ पे स्टेशन मास्टर है? हाँ है, लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं है। और पानी पीने नहीं दे? नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? बोले मेरा पैसा से जेब से पैसा लगाएगा ट्यूबवेल लगाया। हाँ, सरकारी ट्यूबवेल होता तो आप पानी पीते हैं, अन्यथा हम पानी पीने नहीं देंगे। हाँ, तो आपने नहीं बोला उनसे कि मैं भी तो रेलवे का ही? हाँ, वो बोल रहे, तो रेल को बोलो, वही बात बोल रहे जी। रेल के बोलो मैं अपना पैसा से बसा यार। अच्छा। वही बात बोल रहे हो और बोल रहे हम नल खराब हो जाएगा हम ठीक करेंगे तो तुम पैसा दो, हम कहाँ से पैसा देंगे। अच्छा, तो आप लोग कैसे अभी काम कर रहे हैं? हम तो रेलवे से काम कर रहे हैं। रेलवे से तो पानी वगैरह कैसे पी रहे हैं आप अभी? वो बाहर से लेके पानी लेके आ रहा है, हाँ ट्रैक्टर से लेके आ रहा है पानी। ट्रैक्टर से पानी लाके? हाँ। मतलब यहाँ पे ट्यूबवेल होते हुए आप लोगों को पानी? ट्यूबवेल कहाँ नहीं है, ट्यूबवेल तो नहीं है यहाँ। एक भी ट्यूबवेल है तो बोला अपना जेब से बसा है, स्टेशन मास्टर बोल रहा है। अच्छा, तो वो पीने नहीं दे रहा है? हाँ। स्टेशन मास्टर यहाँ पे है? नहीं है, अभी नहीं है, अरे आया है चला गया 10 बजे। सुबह 10 बजे ही चला गया? हाँ। मतलब सुबह आता है और फिर चला जाता? हाँ, चला जाता है। मतलब सिर्फ ड्यूटी जनाने आता है, बस घूम लिया और चल देता है? बस चल देता है। अच्छा, हम लोग यहाँ कचरा कर रहा है तो बोले अरे हम तो काम करेंगे तो कचरा तो होगा अभी, हाँ वो कचरा करने देंगे, यहाँ बैठेंगे खाना की प्लेट, बोले खाना नहीं खाने देंगे। आप लोगों का बंगाल घर है? हम लोग बंगाल घर है। आप लोग काम करने? हाँ।
ये बंगाल से आए हुए कुछ वर्कर है जो भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण का काम पूरा करने के लिए पोल लगा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब हम यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ काम करेंगे तो खाना पीना कहाँ खाएंगे, और जो स्टेशन मास्टर वर्तमान में जिनकी ड्यूटी देख रेख के लिए यहाँ दी गई है वो कहते हैं कि आप हमारे स्टेशन पर खाना नहीं खा सकते हैं, ना ही आपको जल पीने की अनुमति हम दे सकते हैं, चूँकि नल जो बनाया हुआ है हमारे पैसे से बनाए हुए हैं और अगर आपने ख़राब किया तो हम क्या करेंगे। तो फिलहाल अभी ट्रेनें यहाँ नहीं आती है, लेकिन एक स्टेशन मास्टर की ड्यूटी यहाँ ज़रूर दी गई है, और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे की ओर ये नरपतगंज रेलवे स्टेशन है और पानी पीने के लिए भी शायद दी गई है, बाकी जो मशीनें हैं जनरेटर वगैरह दे दी गई है, और आप देख सकते हैं मेंटेनर रूम वगैरह हर एक चीज़ बना दी गई है, प्रवेश निषेध हर एक चीज़ बना दी गई है, ऑफिस बना दी गई है, लेकिन इन ऑफिसों में जहां रेलवे कर्मचारियों को होना चाहिए था वहां एक भी रेलवे कर्मचारी नहीं है। ये ऑफिस है एनबीपी का, ये भी ऑफिस है, चारों तरफ आप ऑफिस ही देख सकते हैं। आने वाले दिनों में यहां पे लोगों की किलकिलाहट घूमेगी, लोगों का शोर गुजेगा, रेलवे की छुक 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 की आवाज़ें आनी आएंगी ही आएंगी, चूँकि स्टेशन बना है तो आज न कल सुविधा मुहैया होगा ही, लेकिन पिछले 2008 के बाद लोगों का इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा है कि आखिर कब तक हमारे यहाँ पे रेलवे की सुविधा दी जाएगी और हम रेलवे का सुखद यात्रा कर पाएंगे। हमारे पीछे की ओर आप देख रहे हैं कि टिकट घर भी बनाया गया है, लेकिन टिकट घर बना है और पिछले 5 साल से रेलवे स्टेशन तैयार है, लेकिन आज तक यहाँ पे ट्रेन की दौड़ने का इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार बन के रह गया है, एक भी ट्रेनों को नहीं चलाया जा रहा है, और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक विद्युतीकरण का काम पूरा नहीं होगा तब तक रेलवे एक भी ट्रेन को मुहैया नहीं करवाएगी, ना तो यहाँ से एक भी ट्रेन चलेगी। उनके बाहर आप देख सकते हैं कि शायद स्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन था बिल्डिंग पूरा होने के बाद काम पूरा होने के बाद सिर्फ भवनों का उद्घाटन किया गया था, जिस पे भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे नरपतगंज का पेंटिंग करके नाम लिखा गया था वहाँ की पेंट झड़ गई है, और पीछे का जो पुराना नरपतगंज लिखा हुआ वो अभी दिख रहा है। बाकी ये स्टेशन का कैंपस है और स्टेशन के जस्ट बाहर एक चाय की स्टॉल है, चाय की दुकान है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुराना चाय की दुकान है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनसे भी बातें करेंगे कि आखिर कब तक रेलवे की सुविधा यहाँ बहाल करवाई जाएगी और कब से लोगों की प्रतीक्षा बनी हुई है कि इस रूट पर ट्रेन चले और हम अपने गंतव्य से देश के अलग अलग शहरों में जा सके या फिर सीमांचल से मिथिलांचल की दूरी को आसानी से तय कर पाए। अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से अगर सीमांचल से मिथिलांचल वगैरह जाना हो या फिर राज्य की राजधानी में जाना हो तो 15 से 16 घंटे का सफ़र किया जाता है, लेकिन अगर ये रूट चालू हो गई तो आसानी से लोग यहाँ से 5 से 6 घंटे में राज्य की राजधानी हो या फिर मिथिलांचल हो आसानी से दूरी तय कर पाएंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनसे भी बातें करेंगे। क्या नाम है चाचा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तब से ये रेलवे स्टेशन बन के तैयार है लेकिन ट्रेन मुहैया नहीं हो रही है। हाँ, नहीं हो रही है, कई बार जो है सो आपको गाड़ी चलाने का आदेश मिला था लेकिन फिर भी नहीं चल पाया। क्या समस्या आ रही है, किस वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल रही है अभी तक? कितने समय से रेलवे स्टेशन बन के तैयार है लेकिन ट्रेनें नहीं है, एक भी ट्रेनें नहीं है यहाँ पे? पुला के कारण। पुला के कारण? कौन सी पुला? पुला डैमेज कर दिया इंजीनियर साहब। अच्छा, तो पुला फिर से बना नहीं? बन रहा है, अभी बन रहा है। वो पुला कितना दूर पे है यहाँ से? राघो ललित ग्राम राघोपुर के बीच में। अच्छा, राघोपुर और ललित ग्राम के बीच में है। क्या समस्या आ रही चाचा जी, आप लोग भी कुछ बताएं इसके बारे में। क्या बताएंगे, गाड़ी तो लाइन बन कर तैयार है। अच्छा। और गाड़ी चला नहीं रहा है सरकार। अच्छा। पता नहीं क्या गलती है नहीं है, हम लोग तो पूरा इंतजार में है, बहुत महंगाई का दौर में है, कहीं जाना आना पड़ता है, राघोपुर सहरसा से बहुत महंगा में जाते हैं। सिर्फ बस वगैरह का सफ़र मिलता है? जी जी जी, बस का ही मिलता है। फारसन जाना होता है तो वहाँ के लिए भी महंगा है, सिमराही जाना होता है राघोपुर तो 80 रुपया लगता है। अच्छा। हाँ, 80 रुपया लग जाता है 30 किलोमीटर। स्टेशन को बना हुआ कितना दिन हो गया? स्टेशन का बने हुए लगभग 10 ना 11 महीना। 14 बरस रेल बंद है। बनने के लिए स्टेशन जो है से बन गई है 2021 में। अच्छा। कंप्लीट हो चुकी है 22 में। इनके बाद जो है से गाड़ी चलने की के बाद जो है से घोषणा किया जो गाड़ी आ रही है फलना तारीख चिलना तारीख 5 तारीख तो 29 तारीख को, लेकिन गाड़ी चलने रही है। हम लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है जाने आने में, सफ़र करने में जो है से ज़्यादा, जहाँ पर 30% भाड़ा वहाँ पर 80% भाड़ा लेता है, हम लोग गरीब आदमी कैसे जा पाएंगे? ये रूट कहाँ से कहाँ तक के लिए है? ये फारबिसगंज से लेके सहरसा दिल्ली तक है और दरभंगा भी है। दरभंगा के लिए सरायगढ़ से जोड़ दिया? हाँ, सरायगढ़ से जोड़ दिया गया है। एकदम दरभंगा भी है, सहरसा भी है,
बहुत परेशानी है हम लोग। कहाँ तक गाड़ियाँ नहीं चलती है? बस सहरसा से ललित ग्राम आती है यहाँ पर 12 किलोमीटर पहले। अच्छा। और उसके बाद यहाँ नहीं इधर चल रही है। ललित ग्राम से ट्रेन सहरसा के लिए? वो सुपौल जिला में पड़ता है तो चल रहा है, हम लोगों का अररिया जिला में नहीं पड़ रहा है। ऐसा कोई मतलब हम लोगों का संसद विधायक कुछ नहीं है ऐसा जो चलवा सके, जी सुविधा दे सके। मतलब बाढ़ की मार के साथ साथ रेलवे का भी मार यहाँ के स्थानीय लोगों पे पूरी तरह से पड़ चुका है और लोगों का जो जनजीवन है ना पूरी तरह अस्त व्यस्त है। यूँ कहा जाए कि कोसी और सीमांचल एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने दर्द से उभरने की कोशिश करता है लेकिन फिर से उसको दर्द तोहफे में मिल जाता है। दर्द की बात करें तो एक तो बाढ़ इस क्षेत्र के लोगों की जान लेती है, ऊपर से सुविधा यहाँ के लोगों की जान लेती है, और जो लोग लूटने वाले हैं ना, चाहे वो रोड माफिया कहिए, बस माफिया कहिए या फिर जो भी कहिए, जो लोगों की सुविधा को ना देख करके लोगों के पैकेट को ऐंठने का काम करती है। सही बोल रहे हैं? हाँ सही बात है। अच्छा तो आप लोगों का इंतजार अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है, एक भी ट्रेनें नहीं दी जा रही है? एक भी ट्रेन नहीं चल रहा। तो लोग हैं यहाँ पे उनका इंतजार ख़त्म नहीं हो रहा है और शायद रेलवे आने वाले कुछ ही दिनों में अगर लोगों की सुविधा को ध्यान में रखे तो एक आध भी ट्रेन अगर दे देती है इस रूट पर तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलेगी, यात्रा करने में सुखद यात्रा कर पाएंगे और जो बस माफियाओं का मार इन लोगों पे पड़ रहा है वो ख़त्म हो पाएगा और लोग अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच पाएंगे अगर एक्सप्रेस ट्रेन दी जाती है तो। जहां पटना जैसे शहरों में जाने के लिए यहां से कटिहार और कटिहार से फिर पटना जाया जाता है, वहीं यहां से डायरेक्ट सरायगढ़ के थ्रू या फिर सहरसा के थ्रू पटना को कम समय में ज़्यादा दूरी को तय किया जा सकता है। बाकी ये वर्कर्स है जो विद्युतीकरण के काम को लेकर के अपने काम की निष्ठा को लेकर के पूरी तरह से लगे हुए हैं और ताज्जुब की बात एक यहाँ पे जानने के लिए मिला कि जो वर्कर है वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो स्टेशन मास्टर वर्तमान में जो देखभाल कर रहे हैं वो लोगों को पानी तक नहीं पीने दे रहे हैं। मतलब भारत में बड़े से बड़े 5-स्टार होटल में भी पानी पीने के लिए और टॉयलेट करने के लिए आपको रोक नहीं सकता है, जबकि सरकारी पद पर स्थापित स्टेशन मास्टर यहाँ के लोगों को पानी तक ना पीने देते हैं, ना ही फॉर्म पे खाना खाने देते हैं। वो कहते हैं कि आप गंदा कर देते हैं, तो ये कौन सी बात हुई कि गंदा कर देते हैं? जब चालू प्लेटफॉर्म पे लोग खाना खा के गंदा करते हैं, सफाई कर्मी सफाई करने में लगे होते हैं, तो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं दिन रात रेलवे की सेवा कर रहे हैं उन लोगों को ना तो पानी पीने दिया जाता है ना ही खाना खाने के लिए दिया जाता है, आखिर ये कहाँ का न्याय है? तो इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्यों इनको खाना खाने नहीं दिया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये अपने काम को लेकर के मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आप लोगों को पानी पीने और खाना खाने क्यों नहीं दिया जाता है? वो बोल रहे अपना पैसा से नल बैठा, वो बोल रहे अपना पैसे से नल बैठा है। आप बोलते नहीं है कि भारत में हमारा अधिकार है कि हम कहीं भी पानी पी सकते हैं? तो वो बोल रहे आपका रेल के सरकार के बोलो, आदमी को बोलो, जो आदमी है ऊपर वाला ऊपर से बोलो जी यहाँ नल बैठा है देख। आप क्या करने के लिए बैठे हुए जब हम ऊपर ही बोलेंगे तो? वही तो बात है, आपको पानी पीने से कोई नहीं रोक सकता है। वो उसका खोल लेते हैं, बोला अपना जेब से बैठा है। अच्छा उससे क्या हो गया? सरकार नहीं देता है। पानी पिलाना पुण्य का कार्य है, पूरे भारत में लोग पानी पी रहे हैं यहाँ वहाँ कहीं भी, फिर रोकने का क्या, क्यों रोका जा रहा है? इधर उधर हेड है वो अपना लगा के ले के आओ उसके बाद पानी पियो।